Good morning, students. Today we are going to study book movements and the second chapter of 9th class. The name of the chapter is The Adventures of Toto. This chapter is about a monkey whose name is Toto, and grandfather bought the Toto from a Tonga driver. So in this chapter we will study about the adventures and mischievous acts of Toto. ये स्टोरी एक ऐसे मंकी के बारे में है जिसका नाम है टोटो, और टोटो को राइटर जो इस चैप्टर के राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था 5 रुपए में. तो इस चैप्टर में हम उसकी मिस्चीव्स को, उसके एडवेंचर्स को, उसके एक्ट्स को बहुत ही ह्यूमरस तरीके से इंजॉय करेंगे. सो लेट्स रीड. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. ग्रैंडफादर ने टोटो को ख़रीदा था फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपए में. द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग टब. टोंगा ड्राइवर उस छोटे से रेड मंकी को फीडिंग टब से बांध कर रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. वो monkey grandfather को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग सा लग रहा था, इसलिए उन्होंने decide किया कि वो अपने private zoo में इस animal को add करेंगे. Toto was a pretty monkey. Toto एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा monkey था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी डीप सेट आईब्रोज के नीचे, यानी कि उसकी गहरी सी खूबसूरत सी सेट आईब्रोज के नीचे उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल स्पार्कल चमकती रहती थी विद मिस्चीव, यानी शैतानी से चमकती रहती थी. एंड ही टीथ, उसके दांत, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि मोतियों के जैसे सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और वो अक्सर जब वो स्माइल करता था तो उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत दिखते थे, विच वर that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies, जो कि Anglo-Indian ladies को अक्सर डरा देते थे. but his hands looked so dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता था जैसे अचार की तरह उन्हें काफ़ी दिनों तक धूप में सुखा दिया गया हो, बिल्कुल सूखे से लगते थे उसके हाथ. yet his fingers were quick and wicked, लेकिन उसकी fingers बहुत ही तेज़ और wicked, यानी शैतान थी. and his tail, उसकी पूँछ, while adding his good looks, जो कि उसकी good looks को add करती थी, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती थी. grandfather believed the tail would add to anyone's good looks. grandfather ये believe करते थे कि किसी भी animal की खूबसूरती को उसकी पूँछें बढ़ा देती हैं. also served as द थर्ड हैंड, और उसकी जो पूँछें होती हैं वो उसके तीसरे हाथों की तरह काम करती हैं. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम द ब्रांच. वो उसकी जो टेल होती है वो पेड़ों की डालों, यानी ब्रांचेस यानी डालियों पर हैंग होने के लिए, लटकने के लिए हेल्प करती हैं. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप द डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. और जो काम वो अपने दोनों हाथों से नहीं कर पाते वो उन कामों को करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट अक्सर गुस्सा हो जाती थी व्हेन ग्रैंडफादर बॉट एनी न्यू बर्ड और एनिमल. जब ग्रैंडफादर कोई भी न्यू एनिमल या फिर बर्ड को लेकर आते थे. So it was decided that Toto's present should be kept secret from her until she was in a particularly good mood. इसीलिए हमने decide किया कि हम तब तक Toto के presents को secret रखेंगे जब तक कि grandmother अच्छे mood में नहीं आए. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. ग्रैंडफादर और मैंने उसे एक छोटे से क्लोज़ेट में रखा था ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरे बेडरूम के वॉल यानी दीवार की तरफ खुलता था. वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जिसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बांध रखा था. और सो वी
थॉट, इसलिए हमने सोचा था टू अ पैक फास्टेन इन टू द वॉल कि वो वॉल से होकर बाहर नहीं जा पाएगा. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और ग्रैंडफादर टोटो को बाहर निकालने के लिए आए, वी फाउंड दैट वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, तब हमने देखा कि जो वॉल मेरे कमरे की जो दीवारें थी जो कि ऑर्नामेंटल पेपर से ढकी कवर्ड थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड एंड ब्रिक्स ब्रिक्स एंड प्लास्टर. वो दीवारें अब सिर्फ और उन दीवारों में सिर्फ और सिर्फ अब ब्रिक्स यानी ईंटें और प्लास्टर ही दिख रहे थे. द पैक वॉल एंड हैड बीन ड्रेस्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड स्कूल ब्लेजर. अब मैंने देखा कि जो वॉल की दीवारें थी वो अपने सॉकेट से बाहर आ गई थी, एंड माय ब्लेजर, और मेरा ब्लेजर भी उसने ख़राब कर दिया था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ हैंगिंग था, लटका हुआ था, वॉज रेड, एंड आई वॉन्डर वॉट ग्रैंड मदर वुड से. अब मैं सोच रहा था कि ग्रैंड मदर इस पर क्या बोलेंगी. बट ग्रैंड फादर डिडन्ट वरी, ही सीम्ड प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस. लेकिन ग्रैंड फादर इस बात से परेशान नहीं थे, वो टोटो की परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी खुश थे. ही इज़ क्लेवर सैड, उन्होंने ही इज़ क्लेवर सैड ग्रैंड फादर. ग्रैंड फादर ने कहा कि वो बहुत ही चालाक है, बहुत ही क्लेवर है. गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू रोप एंड मेड हीज एस्केप फ्रॉम द विंडो. और मुझे पता है, ग्रैंडफादर ने कहा कि मुझे पता है कि अगर इसे और टाइम मिलता तो ये तुम्हारे ब्लेजर को बिल्कुल पीसेज में काट देता और यहाँ विंडो से होकर बाहर निकल कर चला जाता और बच जाता. हीज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी प्रेजेंस, उसका घर में आना अभी भी एक सीक्रेट था. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव्ड सोशिबली टूगेदर. अब टोटो को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था एक बिग केज, एक बड़े से पिजरे में, इन सर्वेंट्स क्वार्टर, जो कि सर्वेंट्स के क्वार्टर में था, जहाँ पर बहुत सारे जानवर यानी कि पालतू जानवर सोशलिबरी बहुत ही सामाजिक तरीके से अच्छे से रहते थे. और टॉर्टाइज अ पेयर ऑफ रैबिट, जहाँ पर टॉर्टाइज एक कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट खरगोश थे दो, टेम ऑफ क्वेरल स्क्वेरल यानी कि स्क्वेरल गिरहरिया थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और मेरा मेरी पालतू गोट यानी बकरी थी. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लिप एट नाइट. लेकिन एक मंकी इनमें से किसी भी कंपेनियन के साथ अलाउ नहीं था रात को सोने के लिए. सो ग्रैंड फादर हु हैड लीव देहरादून नेक्स्ट डे हु कलेक्ट हीज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. इसीलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उन्हें सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, तो वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दिस ट्रिप, दुर्भाग्यवश मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सकता था. बट ही टोल्ड मी अबाउट आफ्टर वर्ड, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे बताया, अ बिग ब्लैक कन्वास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, कि एक बड़ा सा कन्वास किट बैग उन्होंने टोटो के लिए प्रोवाइड किया है. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसमें कुछ टुकड़े स्ट्रॉज रखे हुए हैं सॉफ्टनेस के लिए. बिकम हीज न्यू डॉग, जो कि उसका एक नया घर होगा. वेन द डॉग वॉज को बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग बंद हो जाएगा, देर वॉज नो एस्केप टोटो कुड गेट हीज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. और जब वो टोटो को उसमें बंद कर देंगे तो उसके पास कोई तरीका नहीं रहेगा उसमें से बाहर निकलने का. एंड द कन्वास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हीज वे थ्रू, और हीज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड एफर्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट द फ्लोर एंड द ओकेजनली जम्प इन टू द एयर. अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर भी लेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो बैग को रोल कर सकता है फ्लोर पे, या फिर थोड़ी देर के लिए जंप कर सकता है. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. देहरादून प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी ऑन लुकर्स की,
जो देखने वाले लोगों की। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर नहीं आ गया तब तक टोटो बैग में ही था। बट व्हाइल द ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रांजिल, लेकिन जब रेलवे ट्रांजिल पर ग्रैंड फादर उसका टिकट लेने गए, टोटो सडनली पॉक्ड हीज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। तब टोटो ने अपना सर उस बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक बड़ा सा ग्रिन दिया, मतलब उसे डराया।